देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी, रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय भोपाल, कक्ष क्रमांक 82 भूतल मंत्रालय बल्लभ भवन 1 भोपाल 462004, मध्य प्रदेश दूरभाषा कार्यालय 0755257245 9, यहाँ पर मोबाइल नंबर 9425603967, और यहाँ पर अपडेट तारीख पर करती हैं फोकस, भोपाल दिनांक 9 नवंबर 2022 और क्रमांक 863 प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए कि उनको नीति बनाकर, कुछ भी नीति बनाकर या तो विभागीय परीक्षा ले लेनी चाहिए या उनका पद स्थायी कर देना चाहिए, उनके विषय को लेकर अब अपडेट तेज हो चुकी है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक है परेशान है, हताश है, गरीब है, लेकिन सरकार उनके विषय में कुछ भी नहीं सोच रही है। आपको बताना चाहता हूँ विषय इन्होंने रखा है अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने बाबत, संदर्भ हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एवं झारखंड जैसे राज्यों ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। इन्होंने पत्र लिखा है आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पर श्री सुनील सिंह जी परिहार प्रांत अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश का। पत्र दिनांक 9/11/22 प्राप्त हुआ है, जिसमें अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्ष से बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं, जिनको कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड सरकार ने वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया है। गुरुजियों के लिए नीति निर्देश बनाकर आपके ही सरकार ने नियमित किया है। अनेक राज्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जहां पर अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर किसी नियमित शिक्षक की सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण से पद स्थापना आगामी आदेश तक ना ही की जाए। अतः अनुरोध है कि अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने के निर्देशन प्रदान करने की कृपा करें। संलग्न उपरोक्त अनुसार रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष। और बड़ा अपडेट था भाइयों, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं राजेश गुरु जी अतिथि शिक्षकों की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और कई अतिथि शिक्षक भाइयों के यह भी कमेंट्स आ रहे हैं, सर जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है उसके जो लास्ट के आधार कार्ड के 4 डिजिट नंबर होते हैं वो रॉन्ग आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, क्या परेशानी हो सकती है सर, क्या KYC में परेशानी हुई थी, किस कारण से गलत आ रहे हैं, क्या इसका हमको एफिडेविट लगाना होगा, इसके क्या इफेक्ट हैं, तो उस पर हमको बता दीजिएगा। तो उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ भाइयों, कल शायद वो वीडियो अपलोड होगी जिसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अतिथि शिक्षकों के जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं डिजिटल, उनके इस आधार कार्ड के 4 अंक लास्ट वाले क्यों गलत आ रहे हैं, तो इसको लेकर बताऊंगा। लेकिन इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की भांति नियमित कर देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार विमर्श करें। जय हिंद।